हेलो एवरीवन, अपन आरएस में साइंस बायोलॉजी के अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। पादपों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहले देखेंगे कि जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे एक पादप से दूसरा पादप बन जाता है, ये रिप्रोडक्शन है। कैसे एक जीव से दूसरा जीव बनता है, कैसे एक पादप से दूसरा पादप बनता है, ये रिप्रोडक्शन है। अब ये दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है पादपों में अलैंगिक व लैंगिक जनन, तो ये दोनों विधियां हैं। अपन देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये नाम से मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, मेल गेमिट फीमेल गेमिट मतलब नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक में ए आ रहा है मतलब कुछ अब्सेंट है, इसमें कोई भी एक जनक या तो नर या मादा या प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट मतलब जड़ तना पत्ती या इनसे जो भी बनता है, मतलब इनसे डायरेक्ट नया पौधा बन जाएगा, वो आ जाएगा अलैंगिक जनन में। मतलब एक सिंगल पेरेंट या तो नर होगा या मादा होगा, या तो नर के अंदर जड़ तना पत्ती से या मादा में जड़ तना पत्ती से जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन नर और मादा दोनों में, दोनों से जो रिप्रोडक्शन होगा वो लैंगिक में आ जाएगा। अब सबसे पहले अपन अलैंगिक जनन के करेक्टर देखते हैं क्या होता है। अलैंगिक जनन सबसे पहली लाइन इसमें यही लिखनी है आपको, संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा। एकल जनक मतलब या तो नर या मादा, उससे जो या नर या मादा और उसमें जो भी जड़ तना पत्ती, इससे जो जनन होगा वो मतलब एकल पेरेंट के जड़ तना पत्ती उनसे जो भी जनन होगा वो होगा आपका अलैंगिक जनन, मतलब सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है युग्मकों का निर्माण नहीं होता, मतलब जब मेल और फीमेल जब पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे तो युग्मक बनेंगे नहीं। मतलब युग्मकों का मतलब है मेल गेमिट फीमेल गेमिट, नर युग्मक मादा युग्मक। अब दोनों पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट जड़ तना पत्ती या फिर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है या सिंगल पेरेंट से हो रहा है, तो युग्मक यहाँ पे नहीं बनते हैं, मतलब युग्मकों का निर्माण नहीं होता, नो गेमिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट, नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, मतलब जब गेमिट्स नहीं बन रहे, कोई भी सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो नई वेरिएशन आएंगी ही नहीं। जब दो वेरिएशन जुड़ ही नहीं रही है, सिर्फ एकली पेरेंट है, तो उसी के सारे करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे, नए पौधे में आएंगे, तो इसमें नई वेरिएशन नहीं आती, मतलब ये एकदम अपने पेरेंट के समान होता है। और इसमें जब एक जीव मतलब एक ही सिंगल पेरेंट से दो जीव बनते हैं, मतलब दो भाई भाई मान लें अपन, तो ये आपस में भी एक दूसरे के एकदम क्लोन होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं और पेरेंट के भी समान होते हैं, मतलब इनमें वेरिएशन नहीं आती, सिंगल पेरेंट होता है इसलिए नहीं आती। नेक्स्ट है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, मतलब समान विभाजन होता है। जो गेमिट्स होते हैं, जो गुणसूत्र, उनका समान विभाजन होता है, जो पेरेंट में उतने एज इट इज उसमें जाएंगे समान विभाजित होंगे, मतलब इसमें समानता है। समानता से भी आप समझ सकते हैं, पहले अपन ने देखा है कि पेरेंट के एकदम समान है, मतलब समानता है, समसूत्री विभाजन। इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, मतलब समान सूत्री होंगे। ओनली माइटोटिस डिविजन इज पॉसिबल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, इसमें जननांगों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। जननांगों का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ऑर्गन जो होते हैं मेल फीमेल के, वो ऑर्गन इसमें नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें गेमेट ही नहीं बनते, मेल फीमेल पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, इसमें वेजिटेटिव पार्ट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जड़ तना पत्ती, तो इसमें युग्मक नहीं बनते, गेमिट नहीं बनते, और न ही इसके अंदर रिप्रोडक्टिव कोई रिप्रोडक्टिव स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, इसमें प्लांट के किसी भी पार्ट से नया प्लांट बन सकता है। नेक्स्ट है, यह जनन सामान्य रूप से एकल जीव पादप, ये इसके एग्जाम्पल है कुछ। ये जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब कि जैसे कि एकल जीव मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में मोस्टली पाया जाता है, और इसके अलावा जो भी लोअर यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। आप इसे पाँच नंबर के क्वेश्चन में ये करेक्टर और ये एग्जाम्पल, ये आपके पाँच नंबर में पूछा जा सकता है कि पादप का अलैंगिक जनन समझाइए, उसमें ये करेक्टर और ये एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट, अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ हैं, ये आपको नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे। विधियाँ मतलब कैसे अलैंगिक जनन किन किन विधियों से होता है, मतलब कैसे होता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव मतलब पादप का कोई भी वेजिटेटिव भाग बोलते हैं जो आपको दिखाई देता है पादप में, जड़ तना पत्ती ये सारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट की, जब रिप्रोडक्शन इनसे होता है तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
जैसे कि बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, आपने आलू को उगते हुए देखा होगा, जिसे आलू की आंख बोलते हैं, आलू के कुछ ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट से आलू में हो जाते हैं, वो आलू का वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। ऐसे ही शकरगंद में देखा होगा, मतलब शकरगंद को आप एक जड़ मान सकते हैं। अदरक, हल्दी, ये सारे जड़ में आते हैं, जो ये जड़ें होती है एक्चुअली प्लांट की, जब इनसे प्रोपागेशन होगा तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आ जाएगा और जड़ से बनता है। तो एक एग्जांपल आलू सभी घरों में होता है, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। फिर प्याज, प्याज लहसुन जो होते हैं ये जड़ नहीं होते, ज़मीन के अंदर होते तो अपन समझते हैं ये जड़ है, लेकिन ये जड़ नहीं होती, ये तना होते हैं। तो तना से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है वो प्याज और लहसुन में होता है। अपन ने प्याज के अंदर देखा होगा ऊपर पत्तियाँ होती है, बीच में प्याज होते हैं, उसके नीचे कुछ जड़ें होती है, वो जड़ हो गया। जो गोल पार्ट होते हैं उसे बल्ब बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो गोल बल्ब जैसा होता है, इसलिए वो उसका तना हो गया। और जो ग्रीन पार्ट होते हैं वो उसकी लीव्स हो गई। तो तने से जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, ऐसे ही सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर आपके लहसुन की होती है। तो ये प्याज और लहसुन तने के हो गए। फिर आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा आपने सभी ने देखा होगा, नहीं सुना होगा, नाम सुना होगा पत्थर चट्टे का। पत्थर चट्टे में अगर उसकी पत्ती ज़मीन पर गिर जाती है तो उसकी पत्तियों की जड़ें निकल जाती हैं। तो ये लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये कुछ इसके बेसिक एग्जांपल थे। और वेजिटेटिव प्रवर्धन आपको इसमें यही लिखना है कि जड़, तना, पत्ती, जो भी पार्ट पौधे के पार्ट से जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। एग्जांपल हो जाएंगे शक्करगंध, आलू, प्याज, लहसुन, ये सारे जो भी आप घरेलू मतलब सारे वो है सब्जी, वो इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु मतलब इसके अंदर अगर आपको लिखना है तो बेसिक आप लिख सकते हैं बीज, बीज जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये फंजाई में होती है, मतलब गोल बीज जैसी स्ट्रक्चर। ये मतलब रिप्रोडक्शन से नहीं बनती है, ये अपने आप प्लांट का एक पार्ट ही होती है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, गोल होते हैं, ये बीज गोल होता है, नॉन मोटाइल होता है, ये इसके कुछ करेक्टर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फंजाई, फंजाई के अंदर होते हैं स्पोर, स्पोर बनते हैं, मतलब बीजाणु बनते हैं। तो ये वेजिटेटिव आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, एक मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, इसका एग्जांपल हो गया फंजाई। फिर नेक्स्ट है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। आपने नील हरित सेवाल, ब्लू ग्रेन एल्गी का नाम सुना होगा, वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके अंदर मतलब इसकी स्ट्रक्चर एक लंबी स्ट्रैंड लाइक होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके कुछ और एग्जाम्पल है नोस्टोकोस्टिलेटोरिया, वो ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है, अपन डायरेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, तो ये जहाँ पे इसके ये सेप्टा बने होते हैं, जहाँ पे मतलब ये विखंडन होता है, इसे विखंडन हो जाता है और एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये विखंडन में आ गया, फ्रेगमेंटेशन में मतलब इसके टुकड़े होंगे, फिर टुकड़े का हर एक टुकड़े से एक नया प्लांट बन जाता है, ये विखंडन होता है। और इसका एग्जाम्पल है नील हरित सेवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट लास्ट है कलिका निर्माण, बर्ड फॉर्मेशन। बर्ड फॉर्मेशन इसके एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा, मतलब इसके अंदर भी ये हाइड्रा का प्लांट होता है और इस हाइड्रा पर एक नई बर्ड टाइप निकलती है, एक बर्ड जैसी निकलती है। सबसे पहले एक आउटर ग्रोथ निकलती है छोटी सी, फिर ये प्लांट के ऊपर ही बड़ी हो जाती है, फिर प्लांट से टूटकर अलग हो जाती है और एक नया प्लांट बना लेती है। ये बर्ड हो गई, मतलब बर्ड जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, तो इसे बर्ड बाई कलिका फॉर्मेशन, बर्ड निर्माण है। इसके एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, सबसे पहले आपने देखा वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक प्रवर्धन, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत घरेलू से एग्जाम्पल है, आलू, प्याज, शकरगंद आदि। फिर स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, ये फंजाई में होता है। फिर विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, ये नील हरित सेवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर लास्ट है कलिका निर्माण, बर्ड फॉर्मेशन, ये ईस्ट और हाइड्रा में होता है। मतलब एक बर्ड जैसी स्ट्रक्चर बनती है छोटी सी, फिर वो पेड़ पर ही बड़ी हो जाती है, फिर टूट के अलग हो जाती है। तो ये ईस्ट और हाइड्रा। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तुलना करके देखेंगे तो ये अपन को जल्दी याद हो जाएगा। उसमें सिंगल पेरेंट था, मतलब नर या मादा से, इसमें दोनों पेरेंट भाग लेंगे, नर और मादा, और फिर नई संतति का निर्माण होगा। जब नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करें तो दोनों के करेक्टर एक में आएंगे। तो ये एज इट इज़ पेरेंट जैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों के आधे आधे करेक्टर आ रहे हैं, तो एक नई वेरिएशन आएगी, मतलब एक नई जनरेशन बनेगी जो अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि दोनों के करेक्टर आधे आधे आ रहे हैं। और सेकेंड, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, आधा आधा अर्धसूत्री। तो ये इससे आपको याद हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री था, मतलब समान सूत्र थे पेरेंट्स के, एज इट इज़ समान थे। इसमें अर्धसूत्री है, मतलब आधे आधे करेक्टर आएंगे दोनों पेरेंट्स के, और एक नई वेरिएशन आएगी। तो ये अपने पेरेंट्स से विभिन्नताएँ दर्शाता है। दोनों जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं।
नेक्स्ट है, संतति आनुवांशिक रूप से अपने पेरेंट से अलग होती है। नेक्स्ट है, इसमें अधसूत्री विभाजन होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। वो पेरेंट के एज इट इज समान होता था, ये भिन्न होता है। और इसमें दोनों पेरेंट भाग लेते हैं, उसमें सिंगल पेरेंट भाग लेता था। और इसमें जननांगों का निर्माण मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही मेल फीमेल जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जननांगों मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण नहीं हो रहा था। एक बार फिर से अपन इनकी दोनों की तुलना करके देखते हैं। सिंगल पेरेंट, दोनों पेरेंट नर और मादा, उसमें अनुवांशिक रूप से भिन्नताएं नहीं होती थी, वो एज इट इज पेरेंट्स जैसे होते थे क्योंकि सिंगल पेरेंट होता था। ये अनुवांशिक रूप से अलग होंगे क्योंकि दोनों पेरेंट के आधे आधे करेक्टर इसके अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट, उसमें समसूत्री मतलब समान विभाजन हो रहा था, इसमें असूत्री विभाजन, दोनों करेक्टर आधे आधे आ रहे हैं। इसमें उसमें जननांगों का निर्माण नहीं हो रहा था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट बन रहा था। इसमें जननांगों और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही प्लांट कॉन्टेक्ट कर पाते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर ये मतलब लैंगिक जनन, आपने अपने आसपास जितने भी फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फूल होते हैं, वो सारे लैंगिक जनन करते हैं। जिनमें भी बीज बनते हैं, जिनमें भी सीड बनते हैं, वो सारे लैंगिक जनन के एग्जाम्पल हैं। फ्लोवरिंग प्लांट, सारे फ्लोवरिंग प्लांट इसका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो। तो इसमें भी पाँच नंबर के क्वेश्चन में जनरल करेक्टर और एग्जाम्पल इसका आ जाएगा, सभी पुष्पीय पादप फ्लोवरिंग प्लांट्स। अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपको डायग्राम से दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर डायग्राम बनेगा ही बनेगा। तो इसमें दो रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अपने। जो इसमें गाइनोशियम जो होता है, गाइनोलॉजिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में आता है, इसको पिस्टल भी बोलते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ये वाले होते हैं, जिसे एंथर या स्टेमन बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम, गाइनोलॉजिस्ट जो महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं, मतलब गाइनो, गाइनो जो स्पेशली लेडीज़ के लिए आता, मादा के लिए आता है, तो इस गाइनोशियम। एंथर, एंड्रोशियम, अब जो अगला बच गया एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ये इंग्लिश में ही ये नाम याद होंगे आपको, सीरियल से करेंगे। गाइनोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इन्हें अपन अलग अलग लेते हैं, उनके पार्ट्स में देखते हैं। जो आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा उसके ऊपर ये पार्ट होता है, इस पार्ट को एंथर बोलते हैं, इस पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं क्योंकि ये फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर है। जो एंथर होता है इसी के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, मतलब आगे ये डेवलप होके इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पराग कण। और ये पोलन ग्रेन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके ऊपर पहुंचते हैं। अब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर इस भाग को बोलते हैं स्टिग्मा। इस स्टिग्मा पार्ट पे ये पोलन ग्रेन आके गिरते हैं और एक पोलन ट्यूब मतलब एक ट्यूब बनाते हैं जिसके थ्रू ये अंदर आते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं स्टाइल। और इसमें ओव्यूल होते हैं, अंडे होते हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं ओवेरी। तो ये आपने देखा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर एंथर और फिलामेंट इसके दो भाग होते हैं। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। अब ये पोलन ग्रेन, ये प्रोसेस होती है पोलिनेशन। पोलिनेशन के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट पर पहुंचते हैं यहाँ पे, जिसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये एक छतरी टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर ये आते हैं। फिर स्टिग्मा पर एक ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू ये ओवेरी मतलब अंदर तक पहुंचते हैं, जहाँ पे ओव्यूल एग होता है वहाँ तक पहुंचते हैं। और इस स्ट्रक्चर के अंदर इसमें एग होता है, इसलिए इसको ओवेरी बोलते हैं। अब लास्ट पोलन ग्रेन मतलब मेल और फीमेल में एग। अब इन दोनों का रिप्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन होगा सबसे पहले। फिर फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा। और अब लास्ट प्रोसेस जायगोट बनने के बाद में
एम्ब्रियो बनता है, मतलब भ्रूण। और एम्ब्रियो से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है, और अब जब लास्ट में सीड जर्मिनेट होता है तो नया प्लांट बन जाता है, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को प्रांकुर जो मतलब तना बनाता है, नीचे वाले पार्ट को राइजोट्स जो रूट बनाती हैं, ये पार्ट हो जाता है। तो अपन एक बार फिर से देखते हैं इसको। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका ये डायग्राम आ जाएगा जिसमें एंथर, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फिर अब इनको अलग अलग देखते हैं। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग करके बनाया आपने, इसमें एंथर और फिलामेंट दो पार्ट होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इस पार्ट में पोलन ग्रेन बनते हैं डेवलप होके, फिर पोलन ग्रेन मतलब हवा के द्वारा किसी इंसेक्ट के द्वारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इस पार्ट जिसे स्टिग्मा बोलते हैं और इसके ऊपर पहुँचते हैं। ये पहुँचने की प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर आने की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर इन पोलन ग्रेन के पहुँचने की प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन, यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुँचने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो इन पोलन ग्रेन को यहाँ ओवेरी तक पहुँचाता है। ओवेरी में एग होता है और फिर लास्ट में एग और पोलन ग्रेन आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो भ्रूण बनता है, फिर फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है। जब फ्रूट मेच्योर हो जाता है, एकदम से पक जाता है, तो सीड अपन फेंक देते हैं, उन्हीं सीड से फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। आई होप आपको याद हुआ होगा, एक दो बार आप और रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये लास्ट वाला पार्ट जो ये एज इट इज़ आप डायग्राम के थ्रू अपने दिमाग में इमेज बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा।